नरेंद्र शर्मा की फिजिक्स क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको एक लाइट का टॉपिक है ऑप्टिक्स का, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ये टॉपिक लेकर चलता हूं। आप सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये टॉपिक है, इसमें आप सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझेंगे। दिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहता है अध्यारोपण? देखिए, मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन समझ लें कि अगर कोई भी मीडियम है, उस मीडियम के अंदर कई सारी वेव्स जो है ट्रेवल कर रही है, मीडियम के अंदर कई सारी वेव्स जो है ट्रेवल कर रही है और एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जब ट्रेवल करती है तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि देयर आर मेनी वेव ट्रेवल प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल इन सेम मीडियम इन सेम डायरेक्शन, मतलब बहुत सारी जो वेव है, जो कैसी वेव है, प्रगामी तरंगे हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, वो एक मीडियम के अंदर एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रोपोगेट कर रही है, संचरित हो रही है। तो माध्यम का जो मीडियम का जो पार्टिकल है, जो मीडियम है यहां पर इसके इसका जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल ले रहे हैं, इस पार्टिकल का इस वेव के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई वन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिस पार्टिकल बाई दिस वेव इज वाई वन, और इसके थ्रू जो है दूसरी के वाली के थ्रू वो वाई टू है, और थर्ड है वो वाई थ्री है। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब कह रहे हैं कि जब किसी भी मीडियम के अंदर क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक जो है प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी भी पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पार्टिकल एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो अदर पार्टिकल है, देखिए ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का इस वेव के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वन है, इसके थ्रू वाई टू है और इसके थ्रू वाई थ्री है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आ गया होगा कि एक ही मीडियम के अंदर दो या दो से अधिक वेव्स जो है ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और उन वेव्स के थ्रू जो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट जो है वाई वन वाई टू वाई थ्री है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आप समझ ले। इसके बाद में मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव क्या होता है, हमने कहा कि दो जब कई सारी वेव्स जो है, हम कह रहे हैं कि दो वेव लेके चल रहे हैं, दो प्रोग्रेसिव वेव है, जब दो या दो से अधिक तरंगें जो होती है वेव्स जो होती है प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम के अंदर वो क्या हो रही है प्रोपोगेट हो रही है, तो प्रोपोगेट होंगी तो आफ्टर सुपरपोजिशन क्या होगा कि उनकी जो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी, जो रिजल्टेंट परिणामी जो तरंग बनेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो क्या कहते हैं इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता होगी, वो जो होगी वो अलग अलग जो तरंगें थी उनकी तीव्रताओं के योग से डिफरेंट होगी। मतलब कि दो अगर हम कहते हैं कि दो वेव है, एक ये वेव है एक ये वेव है, इन दोनों की इंटेंसिटी जो है ये इसकी कुछ है दोनों की इंटेंसिटी, तो इनका हुआ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के बाद में क्या हुआ रिजल्टेंट वेव बनी, तो रिजल्टेंट वेव की जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कुछ पॉइंट्स पर तो मैक्सिमम होगी और कुछ पॉइंट पर मिनिमम होगी। इसका मतलब जो है इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम होता है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, उसका मतलब वहां ब्राइटनेस होगी अगर हम ये जो वेव को एक्सपेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये जो वेव हम लेके चलते हैं, इस वेव को मान के चल रहे हैं, ये एक आपकी ऑप्टिकल वेव है, प्रकाशीय तरंग है, तो ये जब इनका अध्यारोपण होगा दोनों का तो माध्यम के किसी बिंदु पर जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो कभी तो मैक्सिमम होगी किन्हीं पॉइंट पर मिनिमम होगी, ठीक है। जिन पॉइंट पर मिनिमम मैक्सिमम होगी वहां पर जो दोनों वेव मिलती है वो सेम फेस में मिलती है, और जहां पर जो मिनिमम होगी वहां पर डिफरेंट फेस में मिलती है। फेज डिफरेंस मैंने आपको बता चुका है पहली क्लासों में।
तो ये जो एजम्पशन है ये क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। मतलब कि जब किसी मीडियम के अंदर दो या दो से अधिक प्रोग्रेसिव वेव तरंगे संचरित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तीव्रता का मतलब वो अधिकतम होती है, किन्हीं पर न्यूनतम होती है। न्यूनतम का मतलब जीरो होती है। तो जहां मैक्सिमम होती है वहां पर ब्राइटनेस होती है और जहां मिनिमम होती है वहां पर डार्कनेस होती है। तो ये फिनोमेना जो होता है ये इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस को हमने दो कैटेगरी दी है। देखिए दो कैटेगरी है इंटरफेरेंस की। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। संपोषी मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज द कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? देखिए जब वेव दो या दो से अधिक वेव ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, जिन पॉइंट्स पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वहां पर जो इंटरफेरेंस होता है वो कॉन्स्ट्रक्टिव होता है। इसका मतलब माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन पॉइंट पर जो आपका व्यतिकरण होगा वो संपोषी व्यतिकरण होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव होगा। मतलब मीडियम के वे पॉइंट जहां पर क्या कहते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो कैसी है, मैक्सिमम है, तो वहां पर जो कॉन्स्ट्रक्ट जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कैसा होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब देखिए दो वेव चल रही है, एक वेव ये है और एक दूसरी वेव ये है। ठीक है, इस वेव और इस वेव अगर ये कॉन्स्टेंट ये क्या शो करते हैं, संपोषी व्यतिकरण शो करती है दोनों, यहां परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, देखिए लिखा है मैंने ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन टू वेव, डेल फाई इज इक्वल टू टू एम पाई। डेल फाई जो होगा ये फेज डिफरेंस है इन दोनों वेव के बीच में। जब 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 फेज डिफरेंस 2m पाई होता है और फेज डिफरेंस के बाद आता है पाथ डिफरेंस, दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो है m लैम्डा होता है और हेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। अगर ये वाली कंडीशन है दोनों वेव के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो तो है 2m पाई और जो पाथ डिफरेंस है वो है m लैम्डा, तो उन पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि संपोषी व्यतिकरण होगा। इधर के बाद में आ जाते हैं हम, यहां पर देखें विनाशी व्यतिकरण लिखा हुआ है, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जब इंटरफेरेंस हुआ है तो मीडियम के किसी पॉइंट, मीडियम के किसी पॉइंट पर जो है क्या हो रहा है, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो कैसी है, मिनिमम है, जीरो है। मतलब कि माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो अगर जीरो है या मिनिमम है तो वहां पर जो इंटरफेरेंस हुआ है वो समझ जाइए वो आपका विनाशी व्यतिकरण है, मतलब डेस्ट्रक्टिव व्यतिकरण है। अब वही बात है, वही दो वेव है, ये वाली दो वेव लेके चल रहे हैं हम। अब दो वेव का ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देख रहे हैं कि ये फेज डिफरेंस डेल फाई की वैल्यू 2m-1 × π है। अगर ये वाला फेज डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू 2m-1 × λ/2 और m की वैल्यू 1, 2, 3 है। तो यहां ये जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन होती है फेज डिफरेंस की और पाथ डिफरेंस की। अगर फेज डिफरेंस 2m-1 × π है और पाथ डिफरेंस 2m-1 × λ/2 है और m की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट है, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस होगा वो आपका डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बताना है कि जिन पॉइंट्स पर फेज डिफरेंस जो होगा वो 2m-2m π होगा और पाथ डिफरेंस m लैम्डा होगा, वहां तो और m की जो वैल्यू होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 एंड लाई करेगी, तो वहां पर जो आपका इंटरफेरेंस होगा उन मीडियम पॉइंट पर वो कैसा होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव होगा। अगर जिन पॉइंट्स पर मीडियम के पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस है वो 2m-1 × π है और पाथ डिफरेंस 2m-1 × λ/2 है, तो वहां पर जो आपका जो इंटरफेरेंस होगा वो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, वहां पर डार्कनेस होगी और यहां पर जो कॉन्स्ट्रक्टिव होगा यहां ब्राइटनेस होगी। तो ये आपको हमने एक चार्ट के रूप में बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन आप समझ चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव जान चुके हैं, अब टू टाइप्स के हमने बता दिए हैं आपको। अब देखिए
थोड़ा सा एक रिलेशन आपने हाई स्कूल में उसमें पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लासेस में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच रिलेशन होता है जिससे हम निकाल के चलते हैं। देखते जरा, फेज डिफरेंस जो होता है डेल फाई, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है इनटू पाथ डिफरेंस डेल एक्स। डेल फाई जो होता है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स। ये एक रिलेशन है, अगर हमें फेज डिफरेंस कहीं पर हमें दिया हुआ है तो हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज किया गया है, हमने कहा कि डेल फाई 2m पाई होता है और डेल एक्स जो होता है वो m लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डेल फाई इक्वल 2m-1 इनटू पाई होता है, और डेल एक्स जो होता है 2m-1 इनटू लैम्डा बाई 2 होता है डेस्ट्रक्टिव के लिए। तो इस फॉर्मूले से हमने वो दोनों वैल्यू निकाल ली होगी। अब दो वेव है, देखिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट डिस्टेंसिटी मतलब कि व्यतिकरण इंटरफेरेंस में परिणामी तीव्रता इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम बात करना चाहते थे। तो हमने कहा कि देखिए बड़ा प्रूफ नहीं कर रहे हैं, छोटा प्रूफ करके चल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि दो वेव ट्रेवल कर रही है सेम मीडियम के अंदर सेम डायरेक्शन में, तो एट एनी इंस्टेंट जो फर्स्ट वेव है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो ए साइन ओमेगा टी है। ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है ये A1 sin ωt, दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम है, ठीक है। और दूसरी वेव की जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वो A2 sin ωt+ φ है। हेयर फाई क्या है, फाई इज अ फेज डिफरेंस, ये क्या है फेज डिफरेंस है भाई, ठीक है, ड्यू टू सुपरपोजिशन Y = क्या हो जाएगा Y1+ Y2। तो यहां से जब रिजल्टेंट इक्वेशन निकालेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी Y = A1+A2, A1 sin ωt + A2 sin ωt+ φ। आफ्टर सॉल्यूशन क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसकी इक्वेशन भी निकल के आएगी और उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ना वो ए होगा। तो ए जो होगा, देखिए जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों के द्वारा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट वो ए होगा। तो ए की जो वैल्यू होगी A1² + A2² + 2A1A2 cos φ, ये आपका ए की वैल्यू आके चलेगी। और ये अगर हम इसको स्क्वायर में लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ये आफ्टर सॉल्यूशन है, ठीक है। A = √A1² + A2² + 2A1A2 cos φ। ये जो दो वेव हैं जिनके बीच में सुपर पोजिशन हुआ है वो उसके बाद में रिजल्टेंट वेव बनी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। A1 जो है वो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, A2 जो है वो सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है, और फाई क्या है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। अगर रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो आई है, वी नो जो इंटेंसिटी होती है, देखिए इंटेंसिटी जो तीव्रता जिसे कहते हैं, तीव्रता जो होती है वो आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है, आयाम स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर होती है। तो इंटेंसिटी को मैं आई लेके चलता हूं तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल को हटा दिया हमने, I = kA², ठीक है। अब हम के ए की जो वैल्यू है पुट कर लेते हैं, अगर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो I = K, तो ए की वैल्यू क्या होगी A1² + A2² + 2A1A2 cos φ। ये A² की वैल्यू आ गई, इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे के A1² + K A2² + K 2A1A2 cos φ, ठीक है। That is I1, that is I2। ये फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी है, ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी है, देयरफॉर I =
तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 cos phi. दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस. ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 cos phi. ठीक है, अब देखिए फॉर इफ, देखिए I मैक्सिमम जो होगी, I मैक्सिमम कब होगा, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब क्या कहते हैं, जब इंटरफेरेंस कैसा होगा आपका, कंस्ट्रक्टिव होगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी. तो I मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉस फाइव जो होगा वो यहां पर कॉस फाइव इज इक्वल टू प्लस का वन होगा. ठीक है, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू प्लस की वैल्यू वन होगी तो आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. तो आई मैक्सिमम इससे निकालेंगे, और एक फॉर्मूला और है आई मैक्सिमम निकालने का, वो के ए वन प्लस ए टू, के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, इससे भी आप आई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो कॉस फाइव की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी. अब ऐसे ही हम आई मिनिमम निकालेंगे. आई मिनिमम कहां होगा, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा. देखिए आई मिनिमम के लिए, आई मिनिमम के लिए कॉस फाइव की वैल्यू माइनस होगी. इफ कॉस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन देन आई कैसा होगा, वो मिनिमम होगा, और आई मिनिमम हो जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी. और आई मिनिमम यहां से भी आप ले सकते हैं के ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, यहां से भी आप आई मिनिमम की वैल्यू ले सकते हैं. अब दो रेशियो निकालते हैं, आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम. आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर. और इसको आगे लेके चल सकते हैं इस तरह से कि वन प्लस या ए वन अपॉन ए टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए वन अपॉन ए टू माइनस वन का होल स्क्वायर. और आई मैक्सिमम अपॉन आई, इसमें न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, ये आपका रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर. यहां से न्यूमेरिकल निकाले, कहेगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन में वो कि दो वेव है, उनके एम्पलीट्यूड ए वन इवन ए वन और ए टू की वैल्यू दी हुई है या उनका रेशियो दिया हुआ है, तो आई मैक्सिमम आई मिनिमम की वैल्यू निकालिए. एक और देखें, आई जो होता है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो आई वन अपॉन आई टू जो होगा वो आपका ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर होगा. ठीक है, और यहीं से हम, अगर हमारे पास में ए वन अपॉन ए टू है तो आई वन अपॉन आई टू निकाल सकते हैं. और ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू रूट आई वन अपॉन आई टू का, ये से हम वैल्यू निकाल देंगे. तो ये इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात की है. इस इन फॉर्मूलाओं पर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आई वन आपको ए वन की वैल्यू देगा, ए टू की वैल्यू देगा, या ए वन अपॉन ए टू दे देगा, या ए टू अपॉन ए वन दे देगा, आई वन दे देगा, आई टू दे देगा. तो आप आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बता सकते हैं. तो ये आपका इंटरफेरेंस में टॉपिक रहा, इस पर न्यूमेरिकल आप बाद में देख पाएंगे.